Hello friends, how are you? Welcome back once again to my channel Shikha's Fashion Spot. And yeah, first of all I want to say I'm sorry. बहुत समय हो गया था, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया जस्ट बिकॉज आई वॉज़ वेरी वेरी इल और यू कैन फील इन माई वॉइस. मैं मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई. बट या आई एम बैक अगेन एंड आई एम बैक विद वेरी एक्सक्लूसिव कलेक्शंस फ्रॉम मीशो एंड दैट आर वेस्टर्न ड्रेस कलेक्शंस. सो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ऑसम वेस्टर्न ड्रेसेस मैं लेकर के आई हूँ एंड द होल कलेक्शन इज़ फ्रॉम मीशो. हेडिंग से आपको मालूम चल गया होगा ये मीशो वेस्टर्न ड्रेस हॉल वीडियो है. सो दे आर वेरी रीजनेबल, वेरी कम्फर्टेबल एंड या यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ दीज ड्रेसेस जो मैं आपको दिखाने वाली. इसमें से कोई भी आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो, सारे ही बहुत ऑसम है एंड बहुत ही रीजनेबल है. दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स दैट आर वर्किंग इन ऑफिसेज, गोइंग टू कॉलेज. सो दीज आर ऑल पर्पस वेस्टर्न ड्रेसेस. ऑल पर्पस वेस्टर्न ड्रेसेस मीन्स कि आप इसको ऑफिस में, कॉलेज में एंड पार्टी फंक्शन सब जगह आप इसको मैनेज कर सकते हो अपने स्टाइलिंग को थोड़ा सा चेंज करके. मीन्स ऑफिस कॉलेज जा रहे हो तो उसके हिसाब से थोड़ा डिसेंट सा स्टाइलिंग कर लिया, और ऑफिस जा रहे हो तो उसके हिसाब से थोड़ा स्मार्ट सा स्टाइलिंग कर लिया एंड पार्टी वगैरह के लिए थोड़ा सा ग्लैमरस सा स्टाइलिंग कर लिया. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने ड्रेस को कैसे हैंडल करते हो. सो मैं एक ड्रेसेस को दो तीन तरीक़ों से यूज़ कर लेती हूँ. मीन्स अगर कहीं नॉर्मल जस्ट मार्केट जाना है तो उसको उसके हिसाब से पहनती हूँ, कहीं पार्टी में जाना है तो उसको थोड़ा ग्लैमरस तरीके से पहनती हूँ. मीन्स कुछ चीज़ों के साथ पेयर अप कर लेती हूँ उसको. एंड मेकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट चेंज होल ऑफ योर लुक. आपके पूरे लुक को मेकअप बहुत चेंज करता है, बहुत ही इन्हेंस करता है आपको लुक को. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरह का मेकअप करे करते हो अपने ड्रेसेस के साथ. बहुत लाउड या सिंपल, मीन्स कि पार्टी वेयर के लिए लाउड मेकअप इज़ ओके, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑफिस एंड कॉलेज तो यू शुड कैरी सिंपल मेकअप. तो वो बहुत ही डिसेंट लगता है किसी भी ड्रेस का. एंड ये चीज़ें हर ड्रेस के साथ जाती है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो. सो विदाउट डिलेइंग लेट गेट स्टार्टेड. मैं आपको शो करती हूँ कि मेरे पास आज क्या वेस्टर्न कलेक्शंस है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ. सो पहला जो स्टार्ट करती हूँ मैं, वो जो मैंने पहना हुआ है ये है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टॉप, आप खुद देख सकते हो मैंने इसको पहना हुआ है. इसीलिए मैंने इसको पहना था कि मैं आपको सामने सामने बात करते हुए दिखा सकूँ कि कितना ब्यूटीफुल और परफेक्ट फिटिंग ड्रेस है. ये मेरा साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है, आप अपने साइज़ के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो. लुक एट द स्लीव्स, ये आपका 3/4 स्लीव्स आएगा बोथ साइड्स. एंड यहाँ पे इन्होंने पफ ऐड किया हुआ है, यू कैन सी, लुक एट दिस पफ. इतना ब्यूटीफुल सा ये लुक दे रहा है आपके टॉप को. कॉलर नेक है, लुक एट दिस, पूरा राउंड कॉलर है इसके, इसमें देखिए. एंड साइड में एक चेन ऐड किया है इन्होंने, जिससे कि आप इसको जिप आउट करके पहन सकते हो, फिर उसको बंद कर सकते हो ताकि आपको पहनने में अनकंफर्टेबल ना लगे. सो इसका जो फिटिंग है वो बहुत ही ऑसम फिटिंग है. इसका पैटर्न आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का डिज़ाइन पैटर्न दिया है. ब्लैक एंड वाइट है ये, वाइट के ऊपर वाइट बेस है, वाइट के ऊपर ब्लैक से इन्होंने प्रिंटिंग दी हुई है. ये स्ट्रेचेबल है थोड़ा सा, अगर आपका एक साइज़ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट अगर आपका एक साइज़ छोटा आ जाता है तो भी आप उसको पहन सकते हो क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है. सो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी फिटेड है, बहुत ही बढ़िया. मैं खड़े होकर आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो बॉडी परफेक्ट. बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बॉडी परफेक्ट है ये. और इसका लेंथ आपके यहाँ तक आएगा, दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस टॉप. कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग गर्ल्स है ये पहनेंगी तो दे आर गोइंग टू वेरी स्मार्ट. मुझे पर्सनली ये टॉप बहुत पसंद है गाइज, आँख बंद करके आप इसको चूज़ कर सकते हो.
बहुत ही रीजनेबल भी है और रीजनेबल के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल है। अब तो वैसे भी विंटर्स आ रही है यार, तो यू नो नीड टू वेयर फुल स्लीव ड्रेसेस, तो आपको फुल स्लीव ड्रेसेस तो चाहिए ही, तो विंटर्स के लिए तो बहुत ही ऑसम है। एंड या दिस इज़ वेरी 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 ऑसम। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम मीशो। इन सारे प्रोडक्ट्स का कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से यू कैन परचेज। अच्छा, मैं ब्रांड मेंशन इसलिए नहीं कर रही हूँ, जस्ट कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ब्रांड्स नहीं दिए रहते मीशो में, हम रैंडमली वहाँ से पिक कर लेते हैं हमको अच्छा लगता है तो और उनका रिव्यू आपको दे देते हैं। बट कुछ के ब्रांड मेंशन रहते हैं, तो जिनके ब्रांड मेंशन होंगे मैं उनको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिनके मेंशन नहीं है उनका मैं नहीं दे पाऊंगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस ब्यूटीफुल टाइगर प्रिंट शर्ट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइगर प्रिंट शर्ट है। लुक एट दिस, इसके जो स्लीव्स हैं वो भी 3/4 स्लीव्स हैं, कॉलर दिया हुआ है कॉलर के साथ है ये शर्ट, एंड बोथ साइड 3/4 स्लीव्स, और ये एक्चुअली शॉर्ट शर्ट है। एंड ये आपके आप हाई वेस्ट जीन्स के साथ, जिनको थोड़ा इशू जो शॉर्ट शर्ट नहीं पहनना चाहते हैं वो हाई वेस्ट जीन्स के साथ उसको कैरी कर सकते हैं, एंड जिनको कोई इशू नहीं है देन दे कैन कैरी विथ कैजुअल लो वेस्ट जीन्स या एज यू वॉन्ट। बट जिनको इशू होता है कि थोड़ा बॉडी पार्ट दिखता है, बिकॉज शॉर्ट अगर आप टॉप क्रॉप टॉप या शॉर्ट शर्ट्स पहनते हो तो उसमें थोड़ा सा तो बॉडी पार्ट दिखेगा, दोज हु आर नॉट यू वॉन्ट टू वेयर हाई वेस्ट जीन्स। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल टाइगर प्रिंट शर्ट और बहुत ही ऑसम है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको पहन के देखा, पहनने के बाद ये बहुत ही स्मार्ट लुक दे रहा। आगे से इन्होंने दो इस तरह के स्ट्रिप्स दिए हुए हैं जिसको हम टाई अप कर सकते हैं फ्रंट में बटन्स लगाने के बाद। इसका लुक आपको वीडियो में समझ में आएगा जब मैं इसको पहन करके आपको दिखाऊंगी। अदरवाइज इसका मटेरियल जो है आपका रेयॉन मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट और बहुत ऑसम है। सो गाइज यू कैन गो फॉर दिस। तो जो मेरा थर्ड ड्रेस है वो है ये, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल टॉप, बहुत ही नॉर्मल सा टॉप है ब्लैक कलर का। मुझे ये बहुत पसंद आया था सो दैट्स वाई मैंने इसको परचेज़ कर लिया। छोटा सा शॉर्ट स्लीव्स दिया हुआ है दोनों साइड में, एंड मैंने अपने साइज़ से एक साइज़ बढ़ा लिया है बिकॉज़ थोड़ा सा टॉप लूज लूज अच्छा लगता है, एंड इसके ऊपर इन्होंने प्रिंसेस लिखा हुआ है सो मुझे ये बहुत ही ऑसम लगा। सिंपल सा नॉर्मल सा कॉटन फैब्रिक है इसका, आप इसको जीन्स के साथ कैजुअली ऐसे भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी मार्केट जा रहे हो या नॉर्मल ऐसे कहीं जा रहे हो बाहर तो यू कैन कैरी दिस। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी प्रिटी सा टॉप, मुझे बहुत 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 पसंद आया था बिकॉज मुझे ऐसे सिंपल सोवर चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉप, यू कैन गो फॉर दिस। बहुत आसान है, बहुत रीजनेबल भी है, और इसका लुक आपको वीडियो में जब मैं क्लिप ऐड करूँगी ट्राई आउट में तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट दैट इज़ दिस इज़ स्पैगेटी। मैंने ये स्पैगेटी लिया है एंड दिस इज़ एक्चुअली अ कॉलर नेक स्पैगेटी। कॉलर नेक दिया हुआ है इसमें, राउंड कॉलर दिया हुआ है, स्लीवलेस है। इसको आप जैकेट के साथ भी कैरी कर सकते हो, विदाउट जैकेट भी कैरी कर सकते हो। इसको आप किसी
शर्ट के अंदर भी एज अ स्पेगेटी डाल सकते हो। तो ये आपका 3-in-1 काम करने वाला। आप इसको विदाउट शर्ट, विथ जैकेट या जैसे भी आप चाहो इसको कैरी कर सकते हो। ये फुल्ली स्ट्रेचेबल है, लाइक्रा फैब्रिक है इसका, बहुत ही फुल्ली स्ट्रेचेबल है, बहुत बढ़िया है। मेरा साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है, आप अपने साइज़ के हिसाब। अच्छा, स्पैगेटी आप अपने परफेक्ट, मतलब आपका जो प्रॉपर साइज़ है उसके हिसाब से ऑर्डर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बिकॉज स्पैगेटी लूज़ नहीं अच्छा लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पैगेटी वगैरह आप अपने साइज़ के हिसाब से ऑर्डर करें। सो इट इज़ बेसिकली स्पैगेटी कम टॉप। आप इसको स्पेगेटी कम टॉप भी बोल सकते हो, बिकॉज को पहनने के बाद टॉप वाली भी फीलिंग आती है। बट ये उतना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, नहीं बोलूँगी ट्रांसलूसेंट है, बिकॉज एज यू कैन सी पीछे का मेरा इसका ये लाइट दिख रहा है इसके अंदर से। सो एज यू कैन सी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप का है। यू नीड टू वियर अ प्रॉपर इन अ वेयर विथ दिस। सो या उसके बाद तो ये बहुत ही औसम लगने वाला है। एंड ट्राई आउट में ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कैसा दिखने वाला है पहनने के बाद। सो या यू कैन गो फॉर दिस। और बोला ना कि आज मैं जो भी ड्रेसेस आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो सब परचेज करने के लायक है, सब बहुत बढ़िया है, यू कैन गो फॉर देम। सो दिस इज़ द बेस्ट ड्रेस ऑफ दिस होल हॉल वीडियो। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ ड्रेस, एंड दिस इज़ फ्रॉम पूर्वजा ब्रांड। इसके ऊपर ब्रांड मेंशन है इसलिए मैंने आपको बता दिया, पूर्वजा ब्रांड से है। दिस इज़ बेसिकली अ बॉडी फिट ब्लैक, बॉडी फिट ब्लैक ड्रेस, एंड दिस विल कम बिलो योर नीज, नीज के नीचे तक आएगा। एंड नीचे पे देखिए आप, इसके फ्लेयर इन्होंने ऐड किया हुआ है, एज यू कैन सी फ्लेयर ऐड किया हुआ है यहाँ पे, एंड पूरा ऊपर से बाकी ये बॉडी फिटेड है इसका। अगर मैं नेक की बात करूँ तो सामने फ्रंट में शॉर्ट नेक है राउंड, एंड बैक में भी शॉर्ट नेक है राउंड, एंड स्लीव्स देखिए शॉर्ट स्लीव्स हैं इसके, एंड पूरा ऊपर से नीचे सेम सिंगल कलर है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई प्रिंट नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक्रा कॉटन ब्लेंड फैब्रिक, और बहुत ही बढ़िया ऑसम है, स्ट्रेचेबल है, सो इट कैन फिट टू योर बॉडी वेरी इजिली। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ऑसम ब्यूटीफुल ड्रेस है, परफेक्ट फिट फॉर एनी पार्टी वेयर। पार्टी वेयर के लिए बहुत 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 ऑसम ड्रेस है ये। सो यू कैन गो फॉर दिस गाइज, एंड ट्राई आउट में आप इसको देखिएगा कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई एम हैविंग अ टाइगर प्रिंट ड्रेस, एंड दिस इज एक्चुअली अ फ्रॉक टाइप ड्रेस, मिडी टाइप ड्रेस। लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। पूरा जो है फ्रॉक है वो टाइगर प्रिंट फ्रॉक है, और अंदर इन्होंने इसके जो है ब्लैक कलर का स्पेगेटी फॉर्म में कुछ दिया हुआ है जो कि इसके अंदर अटैच्ड है इसके साथ। सो बाहर से तो देखने में ऐसा लग रहा है कि स्पेगेटी पहना हुआ है अंदर, बट ये फैब्रिक अटैच्ड किया हुआ है। लुक एट दिस, पीछे से शॉर्ट नेक है, फ्रंट से इन्होंने
इस तरह का नेक कुछ दिया हुआ है जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है, समथिंग लाइक वी टाइप नेक है ये देखिए। एंड इसके जो वेस्ट है इसके ऊपर इन्होंने वेस्ट के ऊपर इन्होंने लास्टिक ऐड किया हुआ है, सो दिस इज़ अ स्ट्रेचेबल लास्टिक। एंड लुक एट दिस फ्लेयर्ड, फुल फ्लेयर्ड फ्रॉक टाइप का ड्रेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। इसके स्लीव जो है वो फुल स्लीव है, शोल्डर के ऊपर पफ डिज़ाइनिंग दी हुई है, एज़ यू कैन सी इसका भी शोल्डर पफ स्टाइल में है। सो पहनने के बाद तो ये बहुत ऑसम दिखने वाला है, मैंने खुद जब इसको ट्राई आउट किया था तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही परफेक्ट सा प्रिटी प्रिटी सा लुक, आप प्रिटी प्रिटी सी फीलिंग आने वाली है आपको इसको पहनने के बाद। यानी इसका बेल्ट है ये, दिस इज़ द बेल्ट दे हैव गिवन विद दिस। मुझे इसका बेल्ट थोड़ा नहीं पसंद आया, थोड़ा कम पसंद आया, बट नो इश्यूज़, मैं इसको किसी और बेल्ट के साथ एक्सचेंज कर दूंगी। सो मैं आपको बेल्ट शो कर देती हूँ, दिस इज़ द बेल्ट, इसके साथ इन्होंने बटन्स दिए हुए हैं, जिसको पसंद आए वो यूज़ कर सकता है, इसको अटैच करके आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इसका ये पोर्शन नहीं पसंद आया, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस, एटलीस्ट मैं किसी और बेल्ट के साथ इसको चेंज कर दूंगी। कैसा लगा आपको मेरा वेस्टर्न ड्रेस कलेक्शन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा वाला आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मालूम चलेगा। कि अगर अब मुझे कमेंट करिएगा कि क्या मैं और वेस्टर्न ड्रेसेस के कलेक्शंस लेकर के आऊँ, अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप लोग को और क्या चीज़ें देखनी है, सो उस पर मैं वीडियो इजीली बना सकूँ। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा लगा हो कुछ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कमी लगी हो तो भी ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ बट वहाँ मेरे रील्स हैं, सो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच माई रील्स यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, बाय।